लिए बहुत सारी ऐप्स हैं, पेजेस हैं जो हमें मौसम का हाल बताती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बताती कुछ है और होता कुछ है, तो इसकी क्या रीज़न है? देखिए, बहुत सारी ऐप्स की जब आप हम बात करते हैं तो डाटा वो कहाँ से ले रहे हैं, पहला तो ये होता है। अच्छा, ठीक है। डाटा का जो रिकॉर्डर है वो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। अच्छा, ठीक है। जो हमारी ऑब्जर्वेटरीज हैं, स्पेशली जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर हर आधे घंटे के बाद ऑब्जर्वेशन जो होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है इंटरनेशनली। वहाँ से ये तमाम जो ऐप्स हैं या आपके सर्च इंजन हैं, ये वहाँ से डाटा लेते हैं। अच्छा। उसके बाद मोस्टली ये होता है कि ये दुनिया में डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे एक यूरोपियन मॉडल है ECMWF, अमेरिकन मॉडल है GFS, इस तरह आइकन मॉडल है जर्मन। ये है, क्या है मॉडल्स? ये मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जिसको आप वेदर मॉडल्स कहते हैं। ओके, ये प्रिडिक्ट्स करते हैं, फोरकास्ट बनाते हैं। ठीक है। तो इन फोरकास्ट के डाटा को वो लोग लेते हैं और इस पे AI अप्लाई करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ भी पहुँच गया है? ये जी वहाँ तक AI तक पहुँच गया है जी, बिल्कुल। वेदर आप कौन सी ऐप यूज करते हैं? हमारे मतलब अगर आपको वो देखना होता है वेदर, जैसे आप अभी मुझे दिखा रहे हैं। जी, मैंने आपको अभी जो है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट से कराची रडार का आउटपुट दिखाया। वो हम आम इंसान देख सकते हैं? जी, आप सब देख सकते अच्छा। हैं pmd.gov.pk। अच्छा। हमारी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, है। इस पे रडार्स पे आप जाएं, कराची रडार पे आप जाकर अच्छा। देखेंगे तो आपको कराची जो रडार जो कुछ कैप्चर कर रहा है हाँ। वो आपको लाइव मिलेगा। रीडिंग भी तो आनी चाहिए ना, देख तो लेंगे। उस पे लेजेंड्स गैजेट्स साथ लगे हुए, लेजेंड्स आप लेजेंड्स देख के उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, पढ़। थोड़ा सा आपका उसके अंदर आइड वो होना चाहिए कि आपको शौक है, इंटरेस्ट है, तो आप उसको बड़े आराम से उसको देख लेंगे। सही है। फिर हम लोग जो है डिफरेंट मॉडल्स को देते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? देखिए, पूरी दुनिया से डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ये डाटा सरफेस का होता है, सी सरफेस का होता है, डेप्थ ऑफ सी सरफेस होती है, उसके बाद अपर एयर के डिफरेंट हमारे लेयर्स होती हैं। हम ट्रोपोस्फेयर का जो पूरा इसका डाटा जो है इसको लेते हैं। इसमें हमारे पास विंड स्पीड डायरेक्शन होती हैं, टेम्परेचर होते हैं, तकरीबन 8-9 चीज़ें हैं, टेम्परेचर हैं, ड्यू पॉइंट्स हैं, ये प्रेशर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारा काम जो है जैसे इक्वेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, उसके नतीजे पर जी, आप ये सारा काम कंप्यूटर कर रहा होता है। लेकिन अक्सर इनपुट करते हैं लोग, आप लोगों को काफ़ी बदनाम करते हैं जी मौसम के जो बताते हैं कि भाई ये इन लोगों की तो कैसी प्रेडिक्शन थी। तो भाई ये बेचारे क्या करें, नेचर के आगे तो हर कोई बेबस है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये तो अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में बता दिया है कि सिर्फ मेरी ज़ात को पता है। मैं आपको यानी कि मफहूम बता रहा हूँ कि ज़मीन के किस हिस्से में पानी के किस कतरे ने गिरना है। बिल्कुल, ठीक है। अल्लाह ने हमें इल्म दिया और अल्लाह ने साथ ये भी कहा कि बेशक इल्म वालों के लिए निशानियाँ हैं, आप अब उसकी कुदरत को परखें, पढ़ें, सीखें। तो इंसान को अल्लाह ने जितना अकल दी, जितना इल्म दिया, इंसान उतना वो काम अपना करता है। और देख लें कि जब हम किसी वेदर की फोरकास्ट करते हैं, हम नॉर्मली वेदर हमारे यहाँ मेन चीज़ क्या है, बारिश को ही हम इम्पोर्टेंस देते हैं, सिर्फ बारिश को ही देखते हैं। या फिर लू या जी बिल्कुल, या हीट वेव आ गई या कोल्ड वेव आ गई, हमारा इसी से ही होता है। और बहुत सारी चीज़ें साथ हो रही होती हैं, तो फोरकास्ट हमारी ठीक होती है। अगर हमने ये कहा कि आज बारिश का इम्कान है, हम इम्कान की बात अब करते आपने कह दिया, ठीक है, एक दो घंटे हम इम्कान की बात करते हैं। कराची में इस वक्त कई जगहों पे बारिश हो रही होगी, ठीक है। तो जब हम इम्कान की बात करते हैं तो आपको वैसा एटमॉस्फेयर बनता हुआ दिख जाता है, तो हमारी फोरकास्ट तकरीबन सही हो जाती है। बाकी तो फिर नेचर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्मा अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में वेदर की वजह से कोई भी एयर इंसिडेंट नहीं हुआ। अच्छा। आपको ये पता है कि किसी भी एयर जो ऑपरेशन हमारा एविएशन हो रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वेदर होता है। सही है। तो हमारी फोरकास्ट एक्यूरेट होती है जब भी। अच्छा। तो बचत है।